क्लास आज हम सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस चैप्टर में। डिजिटल सर्किट्स में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं क्योंकि जितने भी गेट्स हैं डिजिटल सर्किट जो है वो डिजिटल गेट्स से बनाए जाते हैं। तो डिजिटल गेट्स जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। डिजिटल गेट्स ज़्यादा आई सी लगाने की बजाय वो क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बेहतरी आती गई तरक्की होती गई तो फिर मुख्तलिफ सर्किट्स जो होते थे वो एक आई सी की सूरत में बनाए जाते थे, आई सी की पैकिंग में। तो आई सी क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें मुख्तलिफ सर्किट्स को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकली और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकली तो बाहर कुछ पिंस निकाल दी जाती हैं। तो इन पिंस को फिर उस बैरूनी कनेक्शन जो होते हैं दूसरे सर्किट के साथ कनेक्ट करके और इसको एक डी सी सप्लाई अप्लाई करके लॉजिक आईसी जो है वो 5 वोल्ट पर चलाई होती है। उसकी जो नीचे वाली साइड जो है आखिरी पिन होती है ये ग्राउंड कर दी जाती है यानी उसको नेगेटिव बना देते हैं और जो लास्ट पे सबसे ऊपर वाली होती है उसको 5 वोल्ट दे दिए जाते हैं। तो उस तरह चाहे वो आईसी जो है वो बनने शुरू हुए तो शुरू में जब आईसी बनने शुरू हुए बहुत बड़े सर्किट बनाने के बजाय फिर साइंसदान ने इंजीनियर ने यह देखा कुछ ऐसे पैकेज या ऐसी बनाए जाएँ जिनको हम इस्तेमाल करके मुख्य सर्किट को चला सकें। तो शुरू में जब आईसी बनने शुरू हुए तो उसको एक तरतीब दिया गया। एक तरतीब में क्या हुआ कि उनको एक नाम दिया गया SSI। फिर कुछ अरसे बाद कुछ दूसरे आईसी बनने शुरू हो गए तो उनको फिर तरतीब में उनको एक नाम दिया गया MSI। फिर उसके बाद फिर LSI। तो इन सब को ये वो दौर है कि मुख्तलिफ अरसे के बाद जो आईसी बनाते गए उनको ये टर्म्स दी गई SSI MSI और LSI। इनसे क्या बनता है ये किसका मुखफ़ है। SSI से बनाते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे आईसी जिनमें सिर्फ थोड़े से कंपोनेंट लगाए जाए और कंपोनेंट्स को जोड़कर कुछ सर्किट्स बनाए जाए तो उस तकनीक को फिर कहा गया SSI। इस SSI में सिर्फ 50 के करीब कंपोनेंट इस्तेमाल हो सकते हैं और उन 50 कंपोनेंट से फिर जो सर्किट बनते थे वो सिर्फ 30 के करीब सर्किट बनते थे। तो ये वो आईसी जो है जो शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद उन्होंने उन आईसी में तरमीम की, उन आईसी में थोड़ा सा और इजाफा किया कंपोनेंट्स का, उनको नाम दिया MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे आईसी जिनमें 50 से लेकर 500 के करीब जो है वो कंपोनेंट इस्तेमाल कंपोनेंट जब लगाए जा सकते थे और उन 500 या 50 कंपोनेंट्स से मिलकर जो सर्किट्स बनाए जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ 30 से लेकर 100 के करीब जो है वो सर्किट्स जो है वो बनाए जा सकते थे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये सर्किट किस में बनाए जाते हैं, इसमें आईसी में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी और वक्त गुजरा और ज़्यादा तहकीक हुई तो उसके बाद जो टर्म इस्तेमाल की गई आईसी बनाने में उनको LSI का नाम दिया गया। तो LSI से मुराद है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे आईसी पैकेज जिनको जिनमें 500 से लेकर 3 लाख के करीब जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जा सकते हैं। 50 से लेकर 3 लाख के करीब जो कंपोनेंट्स लगाए और इन 3 लाख कंपोनेंट्स से जो सर्किट बनाए जाते थे वो 100 से लेकर 1 लाख के करीब सर्किट बनाए हैं। तो इससे जाहिर है कि जो शुरू वाले आईसी हैं और जो उसके बाद जो लार्ज स्केल पे आईसी बनने शुरू हुए उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। और इस तरह क्या हुआ कि आईसी पैकिंग से क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े जो सर्किट होते थे वो उन चीज़ों का जो साइज छोटा होना शुरू हो गया और इस तरह जो आईसी बने उस तरह के वो आईसी थे। आईसी जब बनता है तो उसमें एक साइड पे जो है वो लेफ्ट साइड पे कट लगा दे रहते हैं और जिससे मना था कि इस तरह हम उनको अपने सामने रखते हैं। जो पेन नंबर 1 होती थी उसके ऊपर एक डॉट का निशान या तो पंच कर देते हैं या फिर उसको प्रिंट कर देते हैं। तो वो क्या होता था, वो पहली पिन जो है वो तसव्वुर होती थी। तो इस तरह पिन की जो तरतीब होती थी वो इस तरह हो जाती थी। तो ये जो अभी जो मैंने जो आईसी बनाया हुआ है आईसी पैकिंग में इसमें जो टोटल पिन बनती है एक साइड पर जो 8 बनती है। तो इस तरह जो 8 के बाद जो दूसरी पिन होती है जो नामी पिन होगी वो बिल्कुल इसके ऊपर होती थी। तो इस तरह जब फिर इस तरह को तरतीब चली जाती है और ये जब लास्ट पर ये जो ये आखिरी पिन कहलाता है इस आईसी के लिए एग्जांपल के तौर पर मैंने
आपके लिए ये बनाया है। तो इस तरह मौजूदा दौर में जिस दौर से 3G 4G और 5G का दौर आ रहा है चल रहा है, तो इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इतने छोटे साइज में आ गई, माइक्रो साइज में आ गई, वो आपकी पॉकेट में भी पूरा पूरा या वो सर्किट एक आ जाता, पूरी एक चीज़ आ जाती है। तो इस सूरत में मौजूदा दौर में जो IC पैकेज बन रहे हैं वो IC पैकेज नहीं बल्कि उनको हम चिप्स कहते हैं, IC चिप्स। और वो IC चिप जो है वो उसमें जो कंपोनेंट की तरतीब है वो कंपोनेंट से ऊपर में, इससे इन कंपोनेंट्स के ऊपर से ऊपर जो तादाद होती है कंपोनेंट्स की और सर्किट्स की, उस तरतीब को या उस टेक्निक को कहा गया VLS, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे IC जो बहुत ज़्यादा जिनमें कंपोनेंट्स और सर्किट लगाए जा सकते हैं, और उन वेरी VLSI जो तरतीब है IC की जो पैकेज है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वो ये सर्किट्स बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद जो मौजूदा दौर VSCALE LSI जिसमें हम देखते हैं कि वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऐसे ICs या ऐसे चिप्स जो बनाई जाती हैं जो कि करीब तकरीबन 15 लाख के करीब उनमें सर्किट सिर्फ होते हैं, कंपोनेंट इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह आज जो हम सीख रहे थे कि लॉजिक सर्किट डिज़ाइन में ये जो IC बनाए जाते हैं ये IC सिर्फ और सिर्फ लॉजिक गेट से बनते हैं। और ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनका जो कनेक्शन होता है तो इन पैकेजेस या IC चिप के अंदर जो होता है ये सारे के सारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो जैसे कि मैंने शुरू के कुछ लेक्चर में बताया था कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो कौन कौन से हैं, ऐसे सर्किट हैं जिनको हम एडिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जिनको हम सब्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये लॉजिक मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग, डीमक्स और मल्टीप्लेक्सर, ये सारे जो सर्किट हैं ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। अब इनमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ गेट्स की इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट किया जाता है, किसी आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो मजीद इसकी जो है वो डिटेल में पता जाएगा कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट और दूसरे लॉजिक सर्किट में क्या फ़र्क है।